नमस्कार। क्रिटिकल एनालिसिस के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे यशवंत सिन्हा ने जो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखा उसके बारे में, और साथ में ही भारत पर हर साल बढ़ रहे कर्जे के बारे में। तो आइए लेते हैं इन दो विषयों की जानकारी। सबसे पहले हमारा विषय है कि यशवंत सिन्हा, जो कि भारत के केंद्रीय अर्थमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में 27 सितंबर को एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि 2015 से पहले जीडीपी को कैलकुलेट करने का जो तरीका था, जो एक मेथड थी, उसे मौजूदा सरकार ने 2015 में बदल दिया और एक नया तरीका डेवलप किया। उस नए तरीके से, उस नई मेथड से अगर हम आज का जीडीपी काउंट करते हैं तो वो होता है 5.7%। लेकिन यशवंत सिन्हा का कहना है कि अगर वही जीडीपी अगर हम पुराने तरीके से कैलकुलेट करें तो वो होता है 3.7% या उससे भी कम। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि यशवंत सिन्हा का कहना है कि 2015 के बाद जीडीपी के जितने भी आंकड़े बीजेपी सरकार ने देश और दुनिया के सामने रखे, वो सारे के सारे फर्जी है, वो सारे के सारे झूठ है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या कारण है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो बात यशवंत सिन्हा ने कही वो बात अधूरी है, वो उन्होंने उसको पूरा नहीं कहा है, हम उसे पूरा कर देते हैं। 2008 में भारत के अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन और उनके दो साथी जॉन पॉल फिटोसी और जोसेफ, इन्होंने एक किताब लिखी, तीनों ने मिलकर एक किताब लिखी। किताब का नाम है मिस मेजरिंग अवर लाइव्स, व्हाई जीडीपी डजंट एड अप। इस किताब में उन्होंने जीडीपी के बारे में कई सारी बातें लिखी। उसमें उन्होंने लिखा है कि दुनिया में जीडीपी को कैलकुलेट करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो मेथड ही गलत है। और ये बोल रहे हैं भारत के अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन और उनके दो साथी। मतलब जो बात यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि पुराना तरीका सही था, नया तरीका सही नहीं है, लेकिन 2008 में ही अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इन्होंने पुराने तरीके को भी गलत साबित कर दिया है। अब जब तरीका ही गलत है, कैलकुलेशन की मेथड ही अगर गलत है, तो उससे निकलने वाले आंकड़े सही कैसे हो सकते हैं? अब हम बात करेंगे भारत पर हर साल बढ़ रहे कर्जे के बारे में। भारत पर हर साल जो कर्जा बढ़ रहा है, उसकी कीमत आज हुई है 63 लाख करोड़ रुपए, और जिसके लिए हम सालाना 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। भारत पर जो कर्जा है और इसके लिए हम लोग जो सालाना ब्याज दे रहे हैं, तो एक व्यक्ति पर, प्रति व्यक्ति जो कर्जा बना है अभी, वो है 53,384 रुपए। ये हर भारतीय नागरिक पर बना हुआ कर्जा है। अगर हम अंबानी अडानी की बात करें और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूर कामगार और साथ में ही पेड़ से लटक कर आत्महत्या करने वाले किसान की बात करें, तो कर्ज के मामले में ये दोनों बराबर है, समान है, लेकिन आमदनी के बारे में इनकी तुलना नहीं हो सकती, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। जहां जो अंबानी की आमदनी है, इनकम है, वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूर की नहीं है, वही पेड़ से लटक कर आत्महत्या करने वाले किसान की नहीं है, लेकिन कर्ज के मामले में ये दोनों समान है, और ये है हमारे भारत की आर्थिक समानता। अगर हम इन आंकड़ों को और माइक्रो लेवल पर जाकर देखें, तो 1 सेकंड के लिए 1,27,901 रुपए का ब्याज हमें देना पड़ता है, जो साल का मिलाकर 4 लाख करोड़ से ज्यादा है। 1 सेकंड के लिए 1,27,901 रुपए का ब्याज हमें देना पड़ता है, और हमारे प्रधानमंत्री, जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, भारत में विकास करने की बात करते हैं, वे 3-3 घंटे तक गंगा की आरती करने में अपना समय जाया करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। अब ऐसा नहीं है कि भारत एक अकेला ऐसा देश है जो कर्ज लेकर अपना देश चला रहा है। भारत से भी कई ज्यादा कर्ज होने वाले देश हैं, जिनको आज हम महासत्ता के नाम से जानते हैं, जिसमें अमेरिका है, जापान है, ब्रिटेन है, चाइना है। तो हम जानेंगे कि इन देशों पर कितना कर्ज है।
हम बात करेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका पर 19 लाख करोड़ यूएस डॉलर का कर्जा है, वही जापान पर 8.9 लाख करोड़ यूएस डॉलर का कर्जा है। चीन की बात करें तो 5 लाख करोड़ यूएस डॉलर का कर्जा है और ब्रिटेन पर 2 लाख करोड़ यूएस डॉलर का कर्जा है। अब ये जो इन्होंने कर्जा लिया है, इस कर्जे से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनके लिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जो आमदनी है, उनका जो इनकम है, वो इनकम उनके खर्चे से कई ज्यादा है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का इनकम अगर 10 डॉलर है तो उनका खर्चा 2 डॉलर या 3 डॉलर तक है, तो बाकी का जो ऊपर का 7-8 डॉलर जो सरप्लस है, अतिरिक्त है उनके पास, उन डॉलर से वो अपना कर्जा चुकता कर सकते हैं। इसलिए उनके लिए ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय भारत के लिए है, क्योंकि भारत की जो इनकम है, सालाना जो इनकम है, वो उस भारत के खर्चे से कम है। अगर मान लो भारत में 10 रुपए का इनकम है तो खर्चा 12 रुपए होता है, तो वो जो 2 रुपए है, वो 2 रुपए हमारा बजट घाटे में है, इसे डिफिसिट कहा जाता है। अब ये इन जो देशों के मैंने आपको उदाहरण के तौर पर नाम लिए, वो उन देशों ने लिया हुआ कर्जा उन्होंने अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, नागरिकों को बेहतरीन सुविधा प्रदान करने के लिए उन्होंने वो सारा खर्चा किया। अगर हम इन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो दुनिया में बेहतरीन है, उनकी शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की उनकी बराबरी आज कोई नहीं कर सकता, यही उनका स्वास्थ्य विभाग है। तो उन्होंने जो कर्जा लिया है, वो सारा का सारा कर्जा उन्होंने देश और नागरिकों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जो 63 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आज भारत पर है, वो कर्जा उन्होंने भारत के विकास के लिए नहीं इस्तेमाल किया। क्यों ऐसा मैं किस आधार पर कहता हूं? तो हम अगर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी इतना बेहतर नहीं है। आए दिन हम पटरी से रेल को उतरने की खबरें पढ़ते हैं, हर 2 हफ्ते में एक खबर होती है। अभी हाल ही में मुंबई के एल्फिंस्टन स्टेशन के ब्रिज पर जो हादसा हुआ, जो दुर्घटना हुई, उसमें करीब 22 लोग मरे और 40 के करीबन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम बात स्वास्थ्य विभाग की करें तो भारत में हर साल डायरिया, मलेरिया और कुपोषण, जिसे भुखमरी कहा जाता है, इन बीमारियों से, इन बातों से मरने वाले बच्चे जो है, उनका आंकड़ा है 12.5 लाख। एक साल में 12.5 लाख बच्चे मलेरिया, डायरिया और भुखमरी से मरते हैं, जिनकी उम्र 5 साल से कम है। ये सेव द चिल्ड्रन नाम की जो एजेंसी है, एनजीओ है, उनका आंकड़ा है। अभी हाल में अगस्त महीने में गोरखपुर अस्पताल, गोरखपुर का जो बीआरडी अस्पताल है, जमशेदपुर का जो एमजीएम अस्पताल है, नासिक में जो अस्पताल है, उन सरकारी अस्पतालों में जो कई बच्चे मरे, सैकड़ों की तादाद में बच्चे मरे हैं, ये है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था। और स्वास्थ्य विभाग हमारे भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति कितना गंभीर है, उन्हें कितनी गंभीरता है, इसके बारे में ये हमें साफ तौर पर दिखाई देता है। अगर हम बात एजुकेशन की करें तो दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हम प्राथमिक जो शिक्षा है उसकी हालत ही कुछ और है। आज भी हमारा स्कूल किसी फ्लाईओवर के नीचे, किसी पेड़ के नीचे लगता है। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भी अपने आंकड़े पब्लिश किए और उन्होंने कहा है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे घटिया व्यवस्था है। अब ये एजुकेशन का सेक्टर है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ताजा उदाहरण हमारे सामने है कि टेक्नोलॉजी की जो बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी हमने जापान से उधार लेने की सोची है। तो हमारी टेक्नोलॉजी हमने खुद इजाद नहीं की है,
यही हाल हमारे विज्ञान का है। कोई नया रिसर्च, कोई नया इन्वेंशन भारत में नहीं हो रहा है। हर साल, जैसे मैंने कहा कि हर साल भुखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या भारत में कई कई ज्यादा है। 83 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर है। गोदामों में अनाज सड़ रहा है, सड़ाया जा रहा है, लेकिन वो लोगों के घर तक वो अनाज पहुंचाया नहीं जा रहा। गोदामों में रखने के लिए जगह नहीं, इतना अनाज भारत में निर्माण होता है, सारा अनाज गोदामों से बाहर सड़कों पर होता है, सड़कों पर रखा जाता है, लेकिन सरकार जो है वो अनाज लोगों के घर तक, लोगों के चूल्हे तक पहुंचाने के लिए खर्चा नहीं करती। ये हमारी जो व्यवस्था है कि 63 लाख करोड़ का कर्जा होने के बावजूद भी हमें जो मौलिक सुविधाएं हैं, वो मौलिक सुविधाएं आज भी आजादी के 70 साल बाद भी हमें नहीं दी गई। अब दो सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये जो 63 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हम पर बना, भारत पर बना, वो कैसे चढ़ा, वो कैसे बना, क्योंकि डेवलपमेंट तो भारत में हो नहीं रही है, तो वो कर्जा कर्जा बना कैसे। और दूसरा सवाल कि इस कर्जे का आखिर हुआ क्या। भारत सरकार ने तो वर्ल्ड बैंक से और IMF से पैसा तो ले लिया, लेकिन खर्चा नहीं हुआ, तो वो गया कहां। इन दो सवालों का एक ही जवाब है। वो जवाब क्या है, तो भारत ने 1990 से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का स्वीकार किया, जिसके तहत LPG लागू हुआ। LPG का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें से जो लिबरलाइजेशन है, इस लिबरलाइजेशन के तहत भारत सरकार ने उद्योगपतियों को हर साल टैक्स में छूट दे रखी है। वो टैक्स उद्योगपतियों से नहीं वसूला जाता, उनको टैक्स माफ किया जाता है। यह 2001 से चला आ रहा है और इस वजह से हमारा जो बजट है वो हर साल घाटे में होता है, डिफिसिट होती है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो इनकम है, हमारी जो आमदनी है, वो हमारे खर्चे से कम है। हमारा इनकम अगर 10 रुपया है तो खर्चा हमें 12 रुपया करना पड़ता है, और ये डिफिसिट जो है, ये जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भरने के लिए, इस डिफिसिट को भरने के लिए हमें हर साल वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना पड़ता है। जो 2 रुपए ऊपर के हमें खर्चा करने के लिए चाहिए, वो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। दूसरी तरफ भारत सरकार हर साल बजट में उद्योगपतियों को टैक्स में माफ कर देता है। अब ये कितना हो रहा है, ये 2001 से हो रहा है। हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध है 2007-08 के फाइनेंशियल ईयर से है। आपके स्क्रीन पर अभी वो आंकड़े, अभी वो एक चार्ट आपको दिखाई देगा, जिसमें 2007-08 का जो बजट है वहां से हमने कुछ आंकड़े आपके सामने रखे हैं। 2007-08 में 2,85,000 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया उद्योगपतियों के लिए। 2008-09 के बजट में 3,50,000 करोड़, 9-10 के बजट में 5,40,000 करोड़, 10-11 के बजट में 4,50,000 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया। 11-12 के बजट में 5,30,000 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया, जबकि एस्टिमेटेड जो था, अनुमानित आंकड़ा बजट में लिखा था 3,70,000 करोड़, लेकिन माफ कर दिया गया 5,30,000 करोड़। वही आगे बढ़ते हुए 2012-13 के बजट में 5,50,000 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया। 13-14 के बजट में 5,73,627 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया। 14-15 के बजट में 5,79,000 करोड़ का बजट टैक्स माफ कर दिया। 15-16 के बजट में 5,54,349 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया। 16-17 के बजट में 6,11,128 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया। अब जो दो सवाल हमारे सामने थे कि हर साल हमें इतना कर्जा लेना क्यों पड़ रहा है, या ये जो 63 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हमारे
हम पर जो बना है वो क्यों बना है और ये पैसा आखिर गया कहाँ। तो ये दोनों सवालों के जवाब है कि हमारा बजट हमारे इनकम हमारे खर्चे से कम है, उसे चलाने के लिए हमें बाहर से पैसा लेना पड़ता है। दूसरी बात, हर साल भारत सरकार उद्योगपतियों को टैक्स माफ कर देती है। ये जो मैंने 2007-08 के बजट से लेकर अब तक के जो आंकड़े आपको गिनाए, उन आंकड़ों को अगर हम जोड़े तो वो होता है 50 लाख करोड़ के आसपास या 50 लाख करोड़ से ज्यादा। और भारत सरकार पर कर्जा है 63 लाख करोड़ का। अगर हम ये सारा टैक्स जो माफ किया है उद्योगपतियों से अगर वसूले, सही मायने में अगर वसूले, तो हम हमारा कर्जा यूं ही चुकता कर सकते हैं। लेकिन चूंकि लिबरलाइजेशन की वजह से भारत सरकार ऐसा नहीं कर रही है, ये पहले कांग्रेस करती थी और अब बीजेपी कर रही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इन सारी बातों का, इन सारे आंकड़ों का अगर निचोड़ निकाला जाए और एक लाइन में अगर इसको कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि भारत का, जिस देश का बजट हर साल घाटे में हो, जिस देश पर कई लाख करोड़ का कर्जा हो, उस देश का जीडीपी प्लस में कैसे हो सकता है। तो सिन्हा साहब जो कह रहे हैं कि जीडीपी हमारा 3.7 या उससे भी कम हो सकता है, तो वो भी आंकड़े गलत है। हमारा जीडीपी कभी भी प्लस में नहीं था, वो हमेशा ही माइनस में है, क्योंकि हमारी आमदनी ही माइनस में है। और इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए A1 TV। धन्यवाद।